तो आई एम लकी स्टार की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहां पे जो शाही थी ना, शाही फेंग का भी पीछा की जा रही थी। फेंग भी देखते कह रही यार ये लड़की वाकई में पागल है क्या भाई, ये मतलब मुझसे बदले लेने के लिए मेरा पीछा यहां पे कर रही है। जहां तक मुझे याद है रूही ने मुझसे ये कहा था अंदर ढेर सारे ने बड़े कमाल कमाल के जंगली बीच जानवर रहते, बड़े खतरनाक रहते जो कि इंसानों पर हमला करते। इसलिए जो भी टीम है ना स्टार्टिंग में ना आपस में एक साथ यहां पर रहती है, अलग यहां पर होती नहीं, लेकिन ये पागल लड़की बदला लेने के लिए भाई मेरे पीछे अपना टीम छोड़ के यहां पर आ गई। लेक सेकंड भाई अभी के लिए मुझे भी इसके साथ यहां पर रहना चाहिए, बाई चांस को बीच जाएगा तो बीस्ट में इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे कर दूंगा। अगर यहाँ पे मर गई जो मेरा मिशन मिला ना वो मिशन यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इसको बचाने के रहना पड़ेगा। तो मेरे पीछे आना तो मैं प्रोडक्शन कर लूंगा। जैसे भाई वो आगे भागता ना तो इसको भाई बीस्ट दिखा देता जो कि गोरिल्ला जैसा यहाँ पे था, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था जिसने लेपोर्ट के यहाँ पे मार दिया। मुझे देखते भाई वो शाही भी हिल जाती है और फेंग भी हिल जाता है, अरे बाप रे इतने बड़े बीस्ट भी होते। इसके सामने लेपोर्ट एकदम चूहे के बराबर था, उसके बाद से वो आगे साइड यहाँ पे जाता है। इसके साथ में साथ साथ ही चलो बच गया लगता है वो आगे चला गया, लेकिन नहीं वो वापस आता है और आता उसका ध्यान शाही की ओर जाता है, शाही को यहाँ पे पकड़ लेता है। ये भी देखिए जाते कह रही है इसने तो शाही को पकड़ लिया, ये शाही को यहाँ पे खा जाएगा तो मुझे कुछ भी हो जाएगा बचाना पड़ेगा। तो सीधे हमला करने के लिए उसकी ओर यहाँ पे बढ़ता है तो भी अपने एक मुक्का लेता है, फेंक की ओर चला जाता है। फेंक भी अपने मुक्के से पूरा रोकने की कोशिश कर रहा है और ये अपना जो वेन स्टेज का लेट लेवल का पावर है ना वही पावर यहाँ पे यूज़ कर सकता है, जो टॉप लेवल का पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको याद है तो डुआन के मास्टर ने कहा भी था टॉप लेवल वाले बंदे अपना पावर यहाँ पे चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इसलिए भाई ये थोड़ा डिसएडवांटेज में था, वो मुक्का चला था इसके पास और मुक्का इसके पास आता है और सबसे भाई जोर से लगता है और फेम के पीछे से यहाँ पे घसला चल जाता है। उसका ये जो भी बीस्ट ना इसको पकड़ लेता है अच्छे से पकड़ने के बाद ना अब इसको खाने को तैयार था, लेकिन खाने से पहले थोड़ा वो टाइप का है भाई बीस्ट, पहले उसके कपड़े यहाँ पे फाड़ दे, यहाँ पे कपड़ों के साथ थोड़ी यहाँ पे खाऊंगा। खाने को तैयार था वो भी डरी पड़ी कर यार ये खा जाएगा नहीं नहीं मुझे यहाँ पे मत खा, लेकिन पीछे से फेंग आता है एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सिर पे मारता है, जिस जगह उसका ध्यान चल जाता है फेंक की ओर। फेंग में यहाँ पे दूसरा लकड़ी का टुकड़ा रहता है, ईश्वर उसका जो नोक है यहाँ पे शार्प कर दिया था, उस सीधे जाके भाई आंख में घुसता है, हाँ उस बीस्ट की आंख में घुसता है तो एक आंख से अंधा हो जाता है और उसी के चक्कर में वो हाथों से भाई निकल जाती है शाही। ये जाके सीधे शाही को पकड़ के वहां से भागने लगता है, उतने में जो बीस्ट ना अपने आंखों से निकालता है और शायद उसको लैंग्वेज भी आती है इंसान को जोर से चिल्लाता है गाइस किल देम, मतलब अपने बंदों को बुला रहा था। ये भी हिल रहा देखा भाई वो अपने और भी साथियों को बुला रहा है, हाँ अपने ढेर सारे साथियों को बुला रहा था। सामने और भी चार पांच ना उसके जैसे यहाँ पे बीस्ट आ जाते हैं, सब लोग मिलकर रोकने को तैयार थे तो उनके बीच में जैसे तैसे होकर भाई आगे साइड निकल जाता है, लेकिन वो लोग पीछा यहाँ पे करने लग जाते हैं। इसको और भी दिमाग खराब क्या, आखिर ये बीस्ट है क्या, इनके पास जो दिमाग है ना भाई हमें इंसानों जैसा दिमाग है प्लस इनका मार्शल आर्ट्स वगैरह भी आते हैं, जिस चक्कर में इनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। शाही को लेकर ना यहाँ पे भागे जा रहा भागे जा रहा भागे ही जा रहा है और तभी शाही भी कहते यार यार ध्यान से आगे देखो आगे तो यहाँ पे खाइए, अरे शिट भाई खाई के आगे कैसे जाएंगे, ये बोलता डोंट वरी इसको लेता है और लेते सीधा खाई की वो साइड यहाँ पे फेंक देता है और खुद ये साइड यहाँ पे रुका हुआ था। बीस्ट लोग सब लोग यहाँ पे आते हैं, बीस्ट में से घुस घास के कुछ ऐसा दीवार वगैरह था उससे टकराता, टकराने में जोर से जंप मारता, जंप मार के ये भी दूसरी ओर यहाँ पे पहुंच जाता है खाई की, लेकिन जो बीस्ट है भाई वो पहली ओर ही थे। वो लोग देखते हैं शिट भाई वो तो बच के निकल गया, कोई बात नहीं वापस कभी आएगा तो मारेंगे, सारे बीस्ट लौट जाते हैं। ये भी कहता है वेल सारे बीस्ट यहाँ पे चले गए काफी बढ़िया। शाही पूछते हुए कि आ रही ओके, ये कहता हाँ मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं बस हल्का सा धूल मिट्टी लगा हुआ है। वो फिर सामने से थैंक यू भी बोलती ओके थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। ये भी कहता है अरे यार थैंक यू कुछ नहीं, लेकिन हाँ भाई तू मेरे पीछे यहाँ पे पड़ी है तो अब तो तेरी जान बचा लिया, मेरे पीछे यहाँ पे मत पड़ना। और तभी इसका मिशन लिखे आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया और 10 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो ये भी देखता है शिट भाई नंगा बदन देखना था, देख लिया नंगी है कपड़े उसने फाड़ दिए थे, इसलिए कहता है यार सबसे पहले कुछ यहाँ पे पहन तो लो, पूरी नंगी हो ये भी शर्मा जाती है अरे बाप रे। और अपना कोट यहाँ पे निकाल के देता है, अब कोट के अलावा अपना शर्ट भी निकाल के देता है, कोट से ऊपर वाला पार्ट कवर करेगी और शर्ट से नीचे वाला और जो दरवाजा यहाँ पे था ना अभी दरवाजा बोल रहा हूँ क्या बोलूँ केव, हाँ जिस केव में इसको जाना था वो केव यहीं पे था और टेबल वगैरह भी यहाँ पे लगा था, टेबल पर आराम से बैठे पड़े। ये भी कहता है एक सेकंड भाई लेकिन मैंने तेरे कपड़े यहाँ पे नहीं उतारे थे, उसने उतारे लेकिन भाई मुझे अपने कपड़े तेरे को देने पड़े शिट भाई यार मुझे ठंड लग रही है भाई कपड़े इसके पाचे लगाए। वो भी मनी मन सोचती क्यों 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 मेरा नसीब इतना बेकार काई को, भाई जब इसके साथ मिलती हूँ ना मेरी ऐसी गंदी हालत हो जाती है, पहली बार मिलती इसने मेरा पिछवाड़ा टच कर लिया अब तो इसने भाई मुझे यहाँ पे नंगा देख लिया है, अगर ये बात बाहर फैल जाएगी ना तो कोई भी मेरे साथ यहाँ पे शादी नहीं करेगा। वेल इसकी हरकतें देख के ऐसा लगता है कि शायद भाई ये मुझे यहाँ पे पसंद करता है, मार्शल आर्ट के लिए भाई काफी स्ट्रॉन्ग है भाई प्लस दिखने में भी ठीक ठाक है तो इसके साथ मैं शादी कर सकती थी अगर ये ठरके ना होता तो। ये मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे ठरके हरामी लग रहा है, मैंने बोला केव यहीं पर है और जिस केव को ढूंढ रहा था तो केव के बाहर जाता है, केव पे दरवाजा लगा था तो केव पूरा ऐसे पावर लगा के खोलने की कोशिश करता है। ये भी कहते हैं क्या हुआ तुम क्या कर रहे हो, वो कहता अंधी हो क्या दिखाई नहीं दे रहा मैं केव खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा जान लगा देता है और केव यहाँ पे खुल भी जाता है और केव खुलता ही अंदर जाता है। तो शाही भी कहते लेकिन एग्जैक्टली है क्या, ये कहता वेल मुझे ऐसे कन्फर्म तो मालूम नहीं लेकिन ऐसा लगता है जिसने ये जगह बनाई उसका प्लस ना जो कहा जाता है ना क्लाउड माउंटेन बना लो जो आदमी था वो आदमी का शायद ये घर यहीं पर शायद यहाँ पे रहा होगा। ये भी कहता क्या बात सच्ची में है चलो अंदर चल के चेक करते और तभी शाही का ध्यान जाता है भाई एक पिल पड़ा हुआ यहाँ पे था प्लस
का सॉल स्टोन यहाँ पे पड़ा होता है, देखते अरे देखो भाई सॉल स्टोन। इसके अलावा यहाँ पे पिल पड़े हुए वो भी काफी कमाल के, प्लस ढेर सारे जड़ी बूटी भी कमाल के, यानी भाई वो आदमी जिन्होंने भाई बनाया था पूरा मालिक, अरे यार वो तो बड़े यहाँ पे कमाल के भाई, भाई यार दिल गड़ा गड़न हो गया। और ये तो बहुत खुश हुए जा रही, लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं जो सॉल स्टोन है भाई, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी भाई उस लिंग यानी फॉक्स वाली लड़की का था, प्लस जो जड़ी बूटी और साथ ही में जो पिल है ना भाई वो भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यानी वाकई वो कमाल का आदमी, उसके पास यही मतलब उसके पास यही कीमती आइटम थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ और तो होना चाहिए। और तब उसका ध्यान जाता सामने एक कुछ ऐसा लिखा हुआ था, उसके सामने पिल की बोतल यहाँ पे पड़ी हुई थी जिसके अंदर टोटल दो यहाँ पे पिल थे, और उस पर ये लिखा हुआ था इसको यहाँ पे कहते हैं भाई क्रिएटर पिल, अगर तुमने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के तुम अंदर आए, इससे ये साबित होता तुम वाकई में काफी कमाल के बंद हो, इसलिए इतने कमाल के होने के लायक मैं तुम्हें भाई गिफ्ट देता हूँ ये पिल, तुम इसे यहाँ पे रख सकते हो। ये भी देखते कहते अरे बाप रे क्रिएटर पिल, पीछे सो कहती भाई एक सेकंड तुमने क्या बोला क्रिएटर पिल, तुम्हें क्रिएटर पिल के बारे में मालूम है? ये कहता वेल बस नाम सुना है तुम्हें क्या मालूम है? वो कहती हाँ मुझे मालूम है क्रिएटर पिल बेसिकली ना कमाल के पिल को ऐसा कहा जाता है जो कि जो सॉल स्टोन है भाई उससे भी ज्यादा कमाल का कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे काम आता है। ऐसा कहा जाता है किसी नॉर्मल बंदे ने खा लिया ना जो कल्टीवेशन नहीं करता वो आराम से वेन स्टेज पे पहुंच जाएगा, और कोई वेन स्टेज का टॉप लेवल बंदे ने खा लिया तो आराम से जो वो स्टेज है ना वो स्टेज के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा बस मैंने कहानियों में सुना है, रियलिटी में होता है या फिर नहीं होता उसके बारे में मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है। जो सुंदर फैन कहता शायद रियलिटी में भी होता है कि भाई मुझे अभी अभी यहाँ पे मिला है, जो देखती ये भी हिल जाती क्या बात कर सच में है, ये भी दिखाता हूँ कहता हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वाकई में मिला है, जिस मालिक ने भाई उस आदमी के लिए छोड़ के गया भाई जो आदमी घर के अंदर घुसेंगे और हम लोग यहाँ पे घुसे, यानी ये लॉजिक देखा जाए तो हमारा है। और इसमें टोटल यहाँ पे दो है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें भी यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुंदर ये भी कहती हाँ क्या बात कर सच में, फिर शांत हो जाती कि ना 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 एक सेकंड ये भाई मुझे यहाँ पे देने को कहीं को तैयार हो गया इतना आसानी से, क्यों भाई ये कीमती आइटम है कोई किसी को इतना आसानी से यहाँ पे बिल्कुल भी देता नहीं, क्या ये बदले में मेरे साथ यहाँ पे कुछ करना चाहता है या शायद भाई एहसान दिलाना चाहते कि हाँ भाई मैं तुझे दे दिया मैं तेरे ऊपर एहसान किया अगली बार तू मेरे ऊपर यहाँ पे एहसान करना, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, शायद मुझे पसंद करता है इसके लिए। तो कहता भी कि भाई क्या तू मुझे यहाँ पे पसंद करता है, फिर कहता है तूने अचानक से ये सवाल यहाँ पे काय को पूछ लिया, ये यहाँ पे कहती नहीं कुछ भी नहीं, मतलब तू भाई इतना कमाल का आइटम मुझे बस ऐसे यहाँ पे देने को तैयार हो गया जबकि भाई मैंने कुछ खास ऐसा यहाँ पे किया नहीं है, पहले तूने मेरा पिछवाड़ा टच किया फिर बिना कपड़े तूने देख लिया, तेरी हरकतें देखी ऐसी लगती है कि काश मतलब शायद तू मुझे यहाँ पे पसंद करता है और इसलिए तू फ्री में भी मुझे देने को तैयार हो गया। जो सुंदर फेंग सोचते कह रहे हैं तो मिशन मुझे मिला था, मिशन के चक्कर में मैंने सब यहाँ पे किया था, और ये जो इसकी फैमिली ना इसकी फैमिली यहाँ पे काम आएगी रुवैन फैमिली से मुझे यहाँ पे बचाने के लिए, इसके भाई ये मैं पिल देके भाई इसका दिल यहाँ पे जीतना चाहता था और कुछ भी नहीं। वो सामने से आप देखो अगर तुम वाकई में पसंद करते हो तो भाई तुम डायरेक्ट आके शादी की बात यहाँ पे कह सकते थे, लेकिन भाई तुमने मेरे साथ भाई गंदी गंदी हरकतें कर दी जो कि यहाँ पे वाकई में गलत बात है, तुमने भाई बिना कपड़ों का मुझे देख लिया और ये बात जैसे बाहर फैलेगी ना लिटरली भाई कोई मेरे साथ यहाँ पे शादी करेगा नहीं और मेरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो क्या? ये कहता वेल उसी के बदले माफी मांगने के लिए ये पिल यहाँ पे रख लो। ये कहती है अच्छा भाई तू एक औरत की इज्जत को एक पिल के साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहा है? वो कहता अच्छा तो तुम्हें पिल नहीं चाहिए? ये कहती नहीं नहीं मुझे पिल यहाँ पे चाहिए। तो वो कहता हाँ पिल रखो बदले माफी कर दो। ये भी कहती साले भाई तू मतलब क्या करूँ भाई छोड़ छोड़ ये सारी बातें छोड़ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।